हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टीएलएम के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। तो फ्रेंड्स, ये टीएलएम किसी भी राज्य के लिए बनाए जा सकते हैं। जो भी वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, वो सभी राज्यों में एक जैसे ही देखने को मिले हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान। तो ये टीएलएम इन सभी राज्यों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव में कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, निर्यात में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि, इंक्रीज इन नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स, रोजगार के अवसर में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का आगमन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये टीएलएम, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।